हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन स्पेशल किचन। स्पेशल किचन में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चने दाल का वड़ा। चने दाल का वड़ा बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं अभी आपको बताऊँगी। चना दाल एक कटोरी मैंने ली हुई है, ये मैंने पहले से ही 5-6 घंटे भिगो के रखी हुई थी। प्याज एक मीडियम साइज़ का मैंने लिया हुआ है जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। पुदीने के पत्ते जिसको मैंने इसको भी चॉप करके रखा हुआ है। हरी मिर्ची, लाल साबुत मिर्ची और अदरक। नमक हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेंगे। एक चम्मच मैं इसमें से ज़ीरा लूँगी। धनिया पाउडर लिया है मैंने जिसको मैं एक छोटा चम्मच लूँगी। और 2 टेबलस्पून मैं ये राइस फ्लोर ले लूँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ ये कैसे बनता है। सबसे पहले मैं एक मिक्सर ले लूँगी। मिक्सर के अंदर मुझे ये सारी दाल डालनी है। ग्राइंड करने के लिए मुझे इसके अंदर पानी नहीं डालना है, इस तरीके से मुझे निकाल लेनी है। और जब हम ग्राइंड करेंगे मुझे इसको ज़्यादा फाइन नहीं करना है, मुझे थोड़ी दरदरी ही ग्राइंड करनी है। और मुझे इसके अंदर ये मिर्ची डालनी है, मैं इसको काट के डालूँगी। और ये 2 मिर्ची और अदरक। अब मुझे इसको ग्राइंड करना है, तो चलिए मैं ग्राइंड करती हूँ। देखिए दाल मैंने ग्राइंड कर ली हुई है। अब मैं इसके अंदर ये चॉप प्याज डालूँगी, थोड़ा सा मैं इसके अंदर एक चम्मच ये ज़ीरा डालूँगी, एक चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डालूंगी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे हम लोग, और ये मैं 2 टेबलस्पून इसमें राइस फ्लोर डालूंगी। और ये मिंट लीफ, अब मुझे इन सबको मिक्स करना है। अच्छे से मैं ये मिक्स कर लूँगी इस तरीके से, मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अब मुझे इसके वड़े बनाने हैं। वड़े बनाने से पहले मैं अपने हाथों में अच्छे से ऑयलिंग कर लूँगी। अच्छे से मुझे ऑयलिंग करनी है। ये ऑयलिंग करने से के बाद मैं जो वड़े बनाने हैं और मैं इस प्लेट में डालती जाऊंगी। ये इस तरीके से मैं वड़े अपने हाथ में लूंगी ये, और मुझे इस तरीके से वड़े बनाने हैं। थोड़ा गोल कर लेंगे इसको इस तरीके से। अब ये चिपकेंगे नहीं, ये हमने बना लिया है। इसी तरीके से मैं सारे वड़े बनाऊंगी। मैंने सारे वड़े तैयार कर लिए हैं, अब मैं इनको करूंगी फ्राई। तो चलिए फ्राई करते हैं हम। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और इसको मैं अब अच्छा गर्म होने दूंगी। तेल गर्म हो चुका हुआ है, अब हम इसके अंदर वड़े डालेंगे। पहले मैं 2 वड़े ही डालूंगी इसके अंदर और इसको मीडियम फ्लेम पे मैं पकने दूंगी। इसको मुझे अच्छे से फ्राई करना है। इसको हम इस तरीके से दबा लेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। ये फ्राई हो चुके हैं, मैं अब इसको एक टिश्यू पेपर पर रख लेती हूँ। इसी तरीके से मैं बाकी वाले भी फ्राई करूँगी।
ये भी फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, मैं इनको भी निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर पे। मैंने इन सबको एक टिश्यू पेपर पर रख लिया हुआ है। टिश्यू पेपर में डालने से जो तेल है वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो चलिए अब मैं इनको सर्व करती हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने इनको सर्व कर लिया हुआ है। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। बारिश हो तब आप बना के खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी है। आप भी घर में ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।